大家好，今天这个视频呢是来给大家讲解如何使用我们这款面条机。首先呢，我们可以看到有五个刀头，这五个刀头呢是放在我们的泡沫中的，还有一个刀头在我们的面条机中，也就是说这款产品直接带有六个刀头，然后随机附赠有凉水杯和面粉杯。 还附送一个清洁刮刀，这个清洁刮刀的作用呢有两个，一个呢是用来清洁刀头，还有一个作用呢就是来凉取面粉。好，稍后我会为大家演示如何来取面粉。首先，它的清洁刮刀这一头清洁刀头用。好，接下来呢我们就来操作并使用这台面条机。首先我们打开顶盖，打开顶盖的时候要注意，这里有上下两层。 然后捏住顶盖的上下两层，往上轻轻一提，就可以将顶盖轻松拿出。好，接下来我们来量取面粉。这台面条机呢，一共可以做两杯面粉，最大可以是320克。这里注意一个细节，我们一定要使用清洁刮刀将面粉刮平。 倒入面条机中，我们再量取一杯，再次使用清洁刮刀将面粉刮平，倒入面条机中，然后将顶盖放在面条机上，往下轻轻按压。 听到咔的一声，就表示挺干啊，装完毕。好，接下来我们来量取适量的水。首先，拿出凉水杯，放在水平的位置上，你可以放在面条机上，也可以放在你的桌子上。方便大家观看的，我就放在面条机上。我们可以看到量水杯上面有刻度显示，这里是一杯的刻度，一杯是60毫升，两杯呢就120毫升。我们今天呢做两杯面粉的容量，所以我们倒取120毫升的水。 好，我们将适量的水放在旁边，插上电源。好，我们可以看到面条机上呢有两个按键，一个是手动出面，还有一个是自动面条。按动自动面条的开关，面条机开始工作。 接下来，将我们事先量取好的水从注水孔处倒入。接下来呢，我们只需等待3分钟，3分钟后即可出面。好，3分钟时间一到，可以看出我们的面条机正在出面。 ये जो आपने वीडियो देखी जो मैंने चाइनीज ही ऐसा शेयर की है ये उन्होंने मुझे पर्सनली भेजी थी कि नूडल्स कैसे बनाते हैं क्योंकि जो वेबसाइट पे वीडियोस शेयर थी उनसे नूडल्स नहीं बन रहे थे तो मैंने हाथ से इसको आटे को पुश कर करके बनाई थी तो मैनुअल मतलब के जब काम करना तो मशीन का क्या फ़ायदा और जब नूडल्स बनती थी तो नूडल्स आपस में चिपक जाती थी तो फिर मैंने ये खुद ट्रिक यूज़ की कि मैंने गर्मा गर्म यखनी नीचे रख दी जब नूडल्स में गिरती थी तो काफ़ी हद तक क्या होते थे आपस में चिपकते नहीं थे और दूसरी बात यह कि अगर लॉन्ग नूडल्स बनाते थे तो वो इतना चिपक जाते थे कि बिल्कुल आटा दोबारा बन जाते थे तो बहरहाल इसमें 13 किस्म की आप नूडल्स बना सकते हैं तो मेरा स्टिल अभी एक्सपेरिमेंट जारी है तो मैंने एक दिन क्या किया था कि खुद अपने तौर पे उनकी रेसिपी को फॉलो नहीं किया मैंने अपने तरीके से बनाई थी तो उससे भी अच्छी बन गई थी लेकिन आने वाली मेरी वीडियोस में आपको डिफरेंट वैरायटी की नूडल्स में बनाना सिखाऊंगी मशीन से कि मशीन ये यूज़फुल है या नहीं है तो आप देख सकते हैं इस तरह से पहले आटा गूंथती मैंने आपको बहुत फास्ट करके दिखाई थी क्योंकि स्लो में तो बहुत ही स्लो था मुझे आज बनाना था एक कोकोनट से ब्रेड बनानी थी जो कोकोनट का मिल्क निकालने के बाद जो कोकोनट फ्लास बचता है उससे मैं रोटी बनाना भी आपको सिखाऊंगी मेरे पास चूंकि फ्लास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा क्या करना है इसको
तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोकोनट का जो फ्लॉस था उसके अंदर मैंने, क्योंकि वो चिपकता नहीं है आपस में ना आटे की तरह, नॉर्मल गूंदता नहीं है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं उसमें, तो मैंने क्या किया था उसके अंदर थोड़ा सा साइलियम हस्क ऐड किया और साथ में मैंने डाल दिया था जो अलसी नहीं होती पाकिस्तान में मिलती, उसको मैंने सोक करके रख दिया था और साथ में बस ग्राइंड किया था। सोक करना मस्ट है वरना वो ग्राइंड नहीं होगी, या फिर पाउडर, डायरेक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आटे की कंपोजिशन थी, लेकिन मैं आटा पहले ही बना चुकी थी और हल्के नीम गर्म पानी के साथ बस मिक्स किया। गूंद नहीं सकते आप, गूंद सकते ही नहीं हो इसको। तो रोटी बनाने का मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको 4 पीसीज में किया, क्योंकि इसके प्रॉपर बॉल्स बनाना जैसे हम रेगुलर फ्लावर्स बनाते बहुत मुश्किल था। तो इसको आप क्या करते हैं, पेपर जो बटर पेपर आता है उसके अंदर कर लें ताकि ये आपस में स्टिक ना हो, लेकिन अगर आप इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपने फ्लावर की कंपोजिशन के जो टाइटल था वो मैंने डाल दिए थे, आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। या मैंने हल्का सा जब डाला तो बहुत आराम से ये बन गई, लेकिन ये रोटी जो होगी बहुत बड़ी आप नहीं बना सकते। अगर प्रॉपर बहुत अच्छी शेप देनी है, बिल्कुल वेजीज इसके जो हैं वो फाइन होने चाहिए, तो आप इसको किसी मोल्ड से शेप देके कटिंग कर सकते हैं। ये जब मैं डाइटिंग पे थी तो मैंने इस तरह से, मैं रेगुलर ब्रेड नहीं लेती थी, तो मैं कभी दिल चाहता था तो मैं ये वाली ब्रेड ले लेती थी। सालन के साथ मैंने नहीं लिया, मैंने चटनी बनाई हरी मिर्चों की और धनिए की, रेगुलर जैसे पाकिस्तान में बनाते हैं, उसमें मैंने प्याज और टमाटर और थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया। उसके बाद साथ में मेरा सैलड का बाउल होता है, सैलड मेरा वेरी करता रहता है। तो उन दिनों चूंकि मुझे अनीमिया था, खून की बहुत ज़्यादा कमी भी महसूस होती थी, तो मैंने कोई टेबलेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं की। तो मैंने इसी तरह से अपना जो रेड बीट रूट आता है ना, जो चिकंदर आता है, इसको मैं यूज़ करती थी। रोटी आप सॉफ्ट या हार्ड दोनों कर सकते हैं, क्रिस्पी भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना उसको कुक्ड करते हैं। तो ये देखिए, एक सॉफ्ट भी मैंने बनाई थी और मैंने साथ में कुछ क्रिस्पी भी बनाई थी।